शांतनु वेलकम टू शांतनु बार्स के सोर्स। फ्रेंड्स, इस समर सीजन में नहीं मैं 5 ऐसे टॉप सुपर फूड का नाम लूँगा जो आपके बार्स के डाइट पे हर दिन नहीं एक रूटीन के हिसाब से होना ही होना चाहिए, जो जिसमें कुदरत ने या नेचर ने भर के सब कुछ दिया है। जो आज के डेट में जैसे साइंस का हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, वैसे ही आज के डेट में आयुर्वेदा में जो लोग पहले ही जो आयुर्वेदा में चिकित्सा करते थे या आयुर्वेदा में जल के पढ़ा मतलब स्टडी करते थे वो लोग तो बता चुके ही हैं, लेकिन आज साइंस के माध्यम से वही सारे चीज़ और भी वर्स्ट रूप से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सुपर फूड में 5 फूड का मैं नाम लूँगा, मैं 10 का भी नाम ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूँगा, अभी 5 फूड के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट जो फूड है वो है आपका मोरिंगा। जो मोरिंगा को पत्ता को या ड्रमस्टिक जो है जिसको हम लोग बंगाली में डांटा बोलते हैं, सो उसको भी या मोरिंगा जो फ्लावर सॉरी जो पेड़ है मतलब सोजने जो चीज़ें हैं उसका पत्ता ले लीजिए, फूल फ्लावर ले लीजिए, उसका छाल ले लीजिए, रूट ले लीजिए, जो स्टिक है उसको ले लीजिए, हर चीज़ हम लोगों के काम पे होता है लगता है। मोरिंगा में इतने सारे विटामिन्स जिसको एक सुपर फूड आज साइंस डिक्लेयर कर चुके हैं, सुपर फूड आज के डेट में सुपर फूड माना जाता है, चाहे इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन, कैल्शियम हर चीज़ का सोर्स है। लेकिन इसको आप पत्ता को आप डस्ट करके भी आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बता मतलब एक सर्च मतलब मैंने ऑलरेडी जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो आप लोगों को ये सारी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मोरिंगा को मैंने मैनिपुलेट सॉरी परसेंटेज को सही साइंटिफिक वे में उसमें डाल दिया है। अभी अभी जो नया तो तुलसी का बन रहा है, आगे जाके V+ भी एक सुपर फूड बन जाएगा मेरे हिसाब से। जो लोग यूज़ कर रहे हो उसका फ़ायदा आप लोग जानते ही जानते हो, तो उसमें ऑलरेडी मोरिंगा है, आपको डरने की ज़रूरत। लेकिन अब मान लीजिए V+ तो हर कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं बिज़नेस करने के लिए अभी तक नहीं उसको लेके सोचा नहीं हूँ। अगर आप सोचने को मतलब ऐसे मोरिंगा को एज ए पाउडर एज ए उसका स्टिक डम स्टिक ले लीजिए या फ्लावर ले लीजिए, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, इतना जानिए आपका बार्स का डाइट के भीतर एक सुपर फूड आ चुका है जो उसका हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा जो सुपर फूड का नाम लूँगा वो है एग। जो अंडा हम लोग खाते हैं या बार्स को प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग इसके लिए ऑलरेडी एक इसी मतलब अंडा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने शांतनु बार्स के चैनल पे बना चुके हैं। अंडा को सुपर फूड इसलिए माना जाता है, एक कॉम्प्लीट फूड माना जाता है जो इसके भीतर हर न्यूट्रिशन मौजूद है थोड़ा ज़्यादा करके, जो एक हेल्थ के लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए हो या बार्ड्स के हेल्थ के लिए हो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसके साथ साथ ये एक प्रोटीन का एनिमल प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। जैसे मोरिंगा को ले लीजिए, इसमें 27% प्रोटीन का सोर्स होता है, तो आप सोच ही लीजिए एक 100% के भीतर 27% प्रोटीन है तो कितना फ़ायदेमंद है। सेकेंड फूड जो मैंने एक फूड का नाम लिया, अब सप्ताह में आपके डाइट में गर्मी हो या एक देखिए ऐड आ रहा था सर्दी हो या गर्मी ऐसे कुछ क्या ऐड का भूल गया है, रोज़ खाओ अंडे। ये बहुत ही वैल्यूएबल एक डाइट है जो आपको लेना ही लेना चाहिए, या आप बार्ड्स के लिए मान लीजिए आपका कन्फ्यूजन है तो सप्ताह में दो गर्मी के मौसम पे सप्ताह में 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। मैं 5 times यूज़ कर मतलब 4 दिन यूज़ करता हूँ, एक दिन गैप देखें। थर्ड जो फूड का मैं नाम लूँगा वो है ब्रोकोली। ब्रोकोली में कुदरत ने इतना सब कुछ दिया है जो गोभी जैसे दिखता है, फूल गोभी जैसे दिखता है, जिसमें अभी तो देखिए हर सीज़न में कुछ ना कुछ मिल जाता है। ब्रोकोली ज़्यादातर विंटर में मिलता था, अभी तो ये अगर आप ढूंढोगे तो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा जो आपका ताज़ा सब्जी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ब्रोकोली को मेरे बात विश्वास करो, मैं अभी तो मेरे ख़त्म हो गया, मंडे को लेकर आऊँगा फिर दूँगा क्योंकि मंडे का डाइट में ब्रोकोली मेरा है। लवबर्ड्स कनूर सभी के लिए या जावा के लिए भी है, आपका बजीज के लिए भी है, सभी के लिए अलग अलग तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। तरीका मतलब छोटा छोटा जो जैसे जिसका चोंच है जो इंटैक्ट कर सकते कि उसी हिसाब से मिक्सिंग करके ब्रोकोली के भीतर हर चीज़ जो है मैंने जो एक बार्स न्यूट्रिशन के लिए जो कुछ भी चाहिए बॉडी को हेल्थ को सही रखने के लिए ब्रोकोली एक ज़बरदस्त सुपर फूड माना जाता है। सुपर के भीतर वो चले आते हैं 5 टॉप
सुपर फूड का नाम मैं ले रही हूँ। सोजने ले लिया, मतलब मोरिंगा ले लिया, एक फूड ले लिया, अभी ब्रोकोली का नाम ले रही हूँ। ब्रोकोली को आपको, अगर आपका फूड हैबिट है बर्ड्स का, तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ब्रोकोली में भर के कैल्शियम होता है, रिच कैल्शियम, रिच विटामिन, पोटाशियम, मैग्नीशियम। इसी समर सीजन में सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे बीमारी ज़्यादा इंटैक्ट हो जाता है शरीर में, चाहे वो। और एक चीज़ देखिए, कुछ भी खाना दीजिए और कुछ दीजिए, एक बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सारे चीज़ उठा के दे देना नहीं है। लव बर्ड्स को एक अलग सा परसेंटेज ऑफ ब्रोकोली चाहिए, कनूर को अलग परसेंटेज ऑफ ब्रोकोली चाहिए, फिंच को अलग चाहिए, जावा को अलग चाहिए। तो ये मैंने इतने सालों में स्टडी करके सीखा, तभी जाके बोल पा रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो इतना कुछ नहीं सोचते। ब्रोकोली दिया, इतना सा दिया, दे दिया, वो खा भी लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवर डाइट, ओवर फूड हो जाने से भी शरीर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हो, आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, हर चीज़ अच्छा अच्छा खाना, लेकिन आपका बर्ड्स का शरीर दुबला पतला है, वीक है, क्योंकि बॉडी में तो जा रहा है, लिवर इंटेस्टाइन उसको शोषित नहीं कर पा रही। इसलिए पहले आप सुपर फूड अब यूज़ करो या ना करो, पहले आपका बर्ड्स का डाइजेशन सही करो, तभी जाके बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ब्रोकोली का मैंने नाम लिया, ब्रोकोली को ज़रूर यूज़ करो। फोर्थ जो सुपर फूड का मैं नाम ले सकता हूँ, वो है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न का जो बेबी कॉर्न, भुट्टा का जो छोटा फॉर्मेशन होता है, जिसको बेबी कॉर्न माना जाता है। बेबी कॉर्न एक सुपर फूड इसीलिए माना जाता है, इसमें पूरा जो चीज़ भुट्टा में क्या होता है, बड़ा भुट्टा में, मतलब उसका दाना बर्ड्स खा लेते हैं, मतलब निकल के खा लेते हैं। हम लोग भी वैसे ही, जैसे मतलब चूल्हे में थोड़ा सा बर्न करके नींबू लगा के देते हैं ना, हम लोग खा लेते हैं। कभी कभी कोई सब्जी बना के भी खाते हैं। लेकिन बर्ड्स को अगर बेबी कॉर्न दोगे तो पूरा बेबी कॉर्न इंटैक्ट कर लेता है, क्योंकि इतना छोटा छोटा और इसमें बारीक दाना होता है, जो न्यूट्रिशन का एक खजाना माना जाता है। विश्वास करो, मेरा हर दिन बेबी कॉर्न, मेरा पसंदीदा बर्ड्स का, मेरा कोई भी बर्ड्स का पसंदीदा फूड के भीतर गेहूं आते हैं, बेबी कॉर्न आते हैं, एक फूड आते हैं, और बाकी चीज़ें मैं घुमा फिरा के, एक बैलेंस डाइट मैं खुद मेंटेन करता हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ना डायरिया का प्रॉब्लम, ना लूज मोशन का प्रॉब्लम, ना हीट स्ट्रोक का, सन स्ट्रोक का, ना ये सारे चीज़ या जो आप लोगों के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखो मैं कितना मतलब महान हूँ, आप लोग नहीं, ऐसे बात नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूँ, आज जिस स्टेज में मैं हूँ, कल आप उसी स्टेज में आप भी हो सकते हो, अगर आप सही से सब कुछ फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि आप लोग देख ही चुके होंगे, जो लोग सच्चे मन से मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं, तीनों चैनल हो या मेरे बातों को, पहले आपका क्या रिजल्ट था, अभी कैसे रिजल्ट है, चाहे वो ब्रीडिंग का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, आप लोग देख ही चुके होंगे। ये हमको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बेबी कॉर्न भी आपका डाइट में होना चाहिए। फिफ्थ और अंतिम में जो डाइट आपका भीतर में होना चाहिए वो है अनमोंड, अनमोंड बादाम, जो एक सुपर फूड माना जाता है। जो बादाम का जो स्पीसीस है, या बादाम का जो करेक्ट, मतलब अलग अलग जो है, उनमें से अनमोंड बादाम जो ओबी अब वी प्लस में मिल जाएगा आपको, जो वी प्लस में, मान लीजिए वी प्लस अभी बोलेंगे दादा, मतलब आप लोग के भीतर जो लोग गलत लोग हैं उसके भीतर वो आप लोग, मतलब वी प्लस में ऐसे कोई फूड भी मैं भी बना सकता हूँ जो अनमोंड डाल देंगे, नहीं, उसका एक परसेंटेज है फाइट साइंस के हिसाब से परसेंट। इसीलिए फेंज बाट को भी आप हिंज बर्ड भी अनमोंड खा रहे हैं, एक मैकाओ बर्ड भी अनमोंड खा रहे हैं वी प्लस के माध्यम से, और एक ग्लब बर्ड भी खा रहे हैं। हर किसी के बॉडी में एक बैलेंस मात्रा में जा रहे हैं, ये आपको गूगल करने में नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे जो मेडिसिन तो लोग जान लेंगे कमेंट से, उसको हम ब्लॉक कर दिया, गलत हो गया था, आप लोग जानते ही हो जो लोग शांतनु बर्ड्स के चैनल से इस चैनल पे आए हो। तो ऐसे लोग अगर आपके भीतर में सोच है जो बना के दिखा दीजिए, वी प्लस को अगर आप सोच सकते हो जो बना सकते हो तो आप बना के दिखा, एक बर्ड्स, एक पेयर बर्ड्स को वी प्लस दीजिए और आपका बनाया हुआ फूड दीजिए, दोनों को फर्क महसूस करोगे। क्योंकि 6 महीना हमको लग गया ये परसेंटेज तैयार करने में, जो ये सारे जो अभी तो तुलसी लेके 62 इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ मैं वी प्लस में, अब शुरुआत हुआ था 90 इंग्रेडिएंट्स से, तो हर चीज़ बैलेंस में है। जो इसलिए फेंज बार्ड भी खाते हैं उसको उसके हिसाब से काम पे लगते हैं, लबर्स भी खाते हैं उसको उसके हिसाब से, और मैकाओ भी खाते हैं, ग्रे भी खाते हैं, बड़े बड़े ग्रे पैरट का ब्रीडर वी प्लस ऑर्डर करते हैं 1 किलो की करके, झूठ नहीं बोल रही, प्रमाण है, इसीलिए मैं बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ मैं कोई बात नहीं करता हूँ। तो इसीलिए उसका फ़ायदा हो रहा है, तभी जाके ले रहे हैं ना।
तो इसीलिए जो लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हो, ये सारे चीज़ में आपको ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। आप सिर्फ मन से वी प्लस को यूज़ कीजिए और फ़ायदा लीजिए। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हो, ये पांचों फूड आपके डाइट में, बार्ड्स के डाइट में सॉफ्ट फूड के माध्यम से ज़रूर होना चाहिए। आप बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसका एक बैलेंस बनाइए, सही तरीका बनाइए, तभी प्रोवाइड कीजिए, तभी काम आएगा, नहीं तो नहीं काम आएगा। तो चलिए आज इतना ही रखता हूँ। नमस्कार।